हेलो ब्यूटिफुल सोल्स दिस इज सान्वी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल सोलफुल श्रोनिंग अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर से कुछ स्टेप्स की उम्मीद लेकर बैठे हैं आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लें तो आज की रीडिंग आपके लिए है आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह का होगा ये कलेक्टिव रीडिंग है जैसे कि मैंने बताया तो बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा ठीक है एंड ये जो जनरलाइज एनर्जीज होती है ना ये आपको एक मैप दे देती हैं कि ऐसी सब चीज़ें होने वाली हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे एक्ट करना है आपको क्या डिसीजंस बनाने हैं वो आप चूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी एनर्जी निकल कर आती है तो किसी की लाइफ के अंदर कुछ चीज़ हो रही होती है किसी की लाइफ के अंदर कुछ चीज़ हो रही होती है तो अकॉर्डिंगली चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए ओके एंड जो लोग शुगर कोटेड रीडिंग सुनना चाहते हैं जिन्हें सच सुनने से प्रॉब्लम है आप पहले यहीं पर ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं ठीक है आप मेल हैं फीमेल हैं मैरिड हैं अनमैरिड हैं डिवोर्स्ड हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर अभी अभी, अभी आपका ब्रेकअप हुआ है आज की रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली रेजोनेट करेगी ठीक है एंड uh, यहाँ पर मैं जॉडिक साइंस के बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज सभी जॉडिक साइंस के साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी ओके okay? सो so, आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहां पर रिन्यूअल का कार्ड ओके द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एज यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है नाइट ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ईगो का कार्ड है ओके आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहने वाला है आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहाँ पर डेथ का कार्ड है

इस रिलेशनशिप में आज तक जो कुछ भी हुआ है उस चीज से अब इस रिलेशनशिप को बाहर निकालना चाह रहे हैं आपके आपकी पार्टनर ठीक है आपके पार्टनर आजकल सेल्फ इवेलुएशन वाली एनर्जीज में है आपके पार्टनर ये चीज देख रहे हैं कि उन्होंने कहाँ गलती करती है उन्होंने कैसे गलत पर्सन पर भरोसा किया मतलब अपने सारे स्टेप्स जो भी आज तक इस रिलेशनशिप में हुए हैं आपको लेकर अपने इस रिलेशनशिप को लेकर उन्हें रीवेलुएट कर रहे हैं आपके पार्टनर ओके और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही नजर आ रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को रीबर्थ की एनॉर्जीज पे लेकर जाना चाहते हैं ठीक है पास्ट की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर करना चाह रहे हैं एक अलग सा जज्बा अब आपके पार्टनर के अंदर पैदा हो गया मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है ठीक है ये रीडिंग उसी को कहीं ना कहीं प्रूफ कर रही है कि वो रीडिंग एग्जैक्ट ठीक निकल कर आई है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज भी कुछ इसी तरीके की अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रिवाइविंग एनर्जीज की और लेकर जाना चाह रहे हैं और उससे ये होगा कि आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को लेकर श्योर है आपको भी इस बात की तसल्ली हो जाएगी दोनों वीडियोस को कंपेयर करने से ठीक है तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जीज नजर आ रहे हैं एक आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव सेंस में हो रही है फिलहाल में ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक नई परसेप्शन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमेशा आपके पार्टनर एक सरेंडरिंग एनर्जीज़ में रहते हैं जहां पर हमेशा वो एक फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं अब आप, आपके पार्टनर को कुछ कुछ सक्सेस मिल रही है तो इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपने जनरली देखा होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है ना वो सिर्फ उनका नेक्स्ट एक्शन नहीं होता है उसके साथ थर्ड पार्टी एनर्जी जो है उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होता है तो आप क्या करते हैं आप इस रीडिंग को देखकर कर ये चीजें सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमारे हाँ, पार्टनर ये एक्शन ले रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर के एक्शन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं सिर्फ आपके पार्टनर के एक्शन लेने भर से कुछ नहीं होने वाला है ठीक है आपके पार्टनर को आपके पास आना है वो बहुत क्लियर है ये बार बार एनर्जीज में निकल कर आता है कई पार्टनर्स ऐसे होंगे मतलब कई लोगों के पार्टनर्स ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि अब ढीठ हो गए उन्हें आना ही नहीं है क्योंकि वो बहुत बार ट्राई करके थक चुके हैं इसलिए उन्होंने उस पोजिशन पर उस सिचुएशन पर सरेंडर कर दिया ठीक है तो वो एक्शन आपके पार्टनर का होता है रिएक्शन थर्ड पार्टी की तरफ से भी आता है ठीक है तो इस वीडियो को आप इस तरह से लीजिएगा कि आपके पार्टनर की चाहत क्या है ठीक है ना आपके पार्टनर किस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो आपको उस चीज में क्लैरिटी मिल जाएगी ओके okay. सो so, यहाँ पर ये मत सोचेगा कि आपके पार्टनर सच में कोई इतना बड़ा एक्शन ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जब तक हम थर्ड पार्टी कंसिड्रेशन में नहीं लेकर आएंगे कई केसेस में ऐसा होगा कि इस तरह का एक्शन नहीं आएगा कईयों में आएगा भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा ठीक है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज तो हर किसी के पार्टनर आज के टाइम पर गो थ्रू कर रहे हैं बिकॉज़ ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं और ये एनर्जीज आपके पार्टनर की एनर्जीज से मैच हो रही है ठीक है एंड द नेक्स्ट इज यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने ना आपसे आपके इमोशन्स ही छीन लिए आप हमेशा अपने पार्टनर को लेकर एक कंप्लेट करते हैं ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके इमोशंस को कभी समझ ही नहीं पाए आपके पार्टनर ने आपको कभी प्राथमिकता ही नहीं दी अपने इस रिलेशनशिप को प्राथमिकता नहीं दी इमोशंस की आपके पार्टनर को कदर ही नहीं है अब आपके पार्टनर उन सभी इमोशंस को समझ रहे हैं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने ने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है उन्होंने आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप का जो हाल कर दिया है उस हाल के लिए वो शर्मिंदा तो है लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अब जीना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को एक्चुअली आपको ऑफर करना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं वो आपके साथ है ठीक है इस टाइम पर आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे हैं तो ये एनर्जीज है यहाँ पर जो लोग नो कॉम्युनिकेशन की स्टेट में हैं आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कॉम्युनिकेशन किस तरह से होगा होगा ये बात पक्की है कि होगा कई लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैम हम तो नो कांटेक्ट में हैं तो कैसे कांटेक्ट होगा होगा वो डिवाइन एनर्जीज हैं किस तरह से कांटेक्ट होगा आपको पता भी नहीं लगेगा ठीक है पर कांटेक्ट यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड अगेन यहाँ पर निकल कर आया है आपके पार्टनर को एक गिल्ट है उन्हें ये बात महसूस होती है कि ये रिश्ता बहुत स्टेबल था इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर खुश थे आप खुश थे और उन्होंने अपने फायदे के लिए एक गलत कदम उठा लिया कईयों को तो ये रिग्रेट है दूसरों को ये रिग्रेट है कि आपके पार्टनर को पता ही नहीं लगा कि उन्होंने कब ये गलत कदम उठा लिया ठीक है तो जो भी रिग्रेट है उनका उससे उनका नेक्स्ट एक्शन ये नजर आ रहा है कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने खुलकर बयां करना चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर की एनोर्जीज यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है ठीक है द नेक्स्ट कार्ड ओवर है कार्ड है और सिर्फ अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करना चाहते हैं बल्कि आपके जो पार्टनर है आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं ठीक है एक ऐसी कमिटमेंट जो सबके सामने हो एक ऐसी कमिटमेंट जिसके आप सपने देखते हैं एक ऐसी कमिटमेंट जहां पर आप दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंध जाए ऐसी कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं और बहुत तेजी से ये एनर्जीज बढ़ रही है ठीक है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एक नई डायरेक्शन में चल चुके हैं ये उनकी एनर्जीज चैनलाइज हो चुकी हैं हर चीज को खोलकर देख पा रहे हैं आप ये कहते हैं ना कि मैम कभी तो वो टाइम आएगा जब हमारे पार्टनर चीजों को समझ पाएंगे समझ पाएंगे अब, ठीक है? लेकिन ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड है ये भी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है चाहे इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई फायदा हो रहा है चाहे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात है चाहे ये थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आपके पार्टनर इनकी लाइफ के अंदर लक्जरीज ऐड कर रहे हैं जो भी रीज़न है ठीक है आपके पार्टनर को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा पजिटिव है मैंने कहा ना आपके पार्टनर के सिर्फ एक्शन लेने भर से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी का रिएक्शन आता है बार बार इसका रुकना ज़रूरी है ठीक है आपके पार्टनर तो एक्शन ले ही लेंगे उनके केस पे क्या हो रहा है उनकी फीलिंग्स को दबाया जा रहा है ना सप्रेस हो रही है वो फीलिंग्स लेकिन अगर ये सप्रेशन की एनर्जीज़ ही खत्म हो जाती हैं तो आपके पार्टनर बहुत इजिली खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे ठीक है तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर भी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उसको लेकर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं इसलिए ना आपके पार्टनर थोड़ा सा इनडिफरेंट बिहेव करने वाले हैं इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीज़ों को ना शेयर करना आपके पार्टनर ये सोचेंगे कि उन्हें अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर लेनी चाहिए इस थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए अब जो इंसान बिल्कुल क्लियरली हर एक चीज को डिस्कस कर रहा है अचानक से उसकी एनर्जीज के अंदर इस तरह का चेंज आता है तो सामने वाला पर्सन इतनी जजमेंट तो रखता है ना कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपको नहीं पता लगा क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप में जैसे आपने देखा है कभी लड़ाई होती है कभी मान जाते हैं कभी मना लेते हैं आपको इस तरह की एनर्जीज फील हुई इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को मना लेंगे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कन्विंस करने के लिए कोई एफर्ट्स डालेंगे इस बात को ये थर्ड पार्टी बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुकी है ठीक है आप उस टाइम पर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो रही हैं लेकिन ये थर्ड पार्टी पहले से ही इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा चुकी है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कुछ भी इमोशंस की टर्म्स में नहीं देने वाले हैं तो अचानक से अगर बिहेवियर का चेंज होगा तो अलर्ट तो ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली होगी इज एंटेड तो ये एनर्जीज है यहाँ पर अब क्या होगा आपके पार्टनर ना बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत दिमाग लगाकर बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आपके साथ कांटेक्ट इस्टाब्लिश करने की कोशिश करें ठीक है बातचीत हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है दो चार मैसेजेस एक्सचेंज हो और फिर उसके बाद आपके पार्टनर की इस एक्शन पर रिएक्शन आएगा ये जो बातचीत का दौर है ना ये सिर्फ़ दिवाली तक रहने वाला है ठीक है चाहे आप एक दिन में बहुत ज़्यादा बात कर लें चाहे दो चार मैसेजेस एक्सचेंज कर लें लेकिन ये दौर जो है ये सिर्फ दिवाली तक होगा ठीक है अब से दो हफ्ते इस इन दिनों में चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपके पार्टनर के साथ आप कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं उन्हें कुछ चीजें बताना चाहते हैं अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं भी किया और इस टाइम पर आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हैं आने वाले पंद्रह दिनों में तो आपके पार्टनर आपकी बात को एक बार कंसीडर जरूर करेंगे आपको सामने से डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे लेकिन उनके तरफ इस तरह से आपको इस पॉइंट पर नहीं जाना चाहिए अपने पार्टनर को इस तरह का मौका देना चाहिए ठीक है लेकिन इस दिवाली के बाद आपके पार्टनर इन एनर्जीज में नहीं होंगे जो एक्शन अभी आपके पार्टनर लेना चाह रहे हैं उसके बाद वो इन एनर्जीज में नहीं होंगे इस चीज को समझ कर चलिएगा ठीक है आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें बहुत अच्छी बात है लेकिन इस पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जो और भी चीजें जुड़ी हुई हैं कि आगे ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरह से चेंज हो सकती हैं इन एनर्जीज को इग्नोर करके ना चलें नहीं तो आपकी सफरिंग जो स्टेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस टाइम पर आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं अगर नो कॉन्टैक्ट की स्टेट है तो एटलीस्ट आपके मन में ये है कि हाँ कभी तो बात होगी अब अचानक से आपके पार्टनर आए आपसे बात करें और उसके बाद दोबारा से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाए तो वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी ठीक है आप अपने पार्टनर पर दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए ठीक है तो ये जो इन आउट इन आउट की एनर्जीज जिनके रिलेशनशिप में होती है ना वहां पर जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो लैक हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको बार बार चीट कर रहे हैं वो पार्टनर चीट नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? वो एनर्जीज का शिफ्ट है जब आप इन प्रॉब्लम्स को ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं ना आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज कहां पर बैठ रही है ठीक है यहाँ पर आपके पार्टनर का एक्शन ये है कि बस अब उन्हें आपके पास आना है वो उसी दौड़ में अब लगे हुए हैं लेकिन आपके जो पार्टनर है वो अपनी ईगो को डाउन करके आ रहे हैं ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर इस तरह से आपकी तरफ को आ रहे हैं जैसे कि पिंजरे से बाहर निकलकर आ रहे हैं इल्यूजन की एनर्जीज उनकी खत्म हो रही है वो इस थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं करेंगे वो मटीरियलिस्टिक एनर्जी से बच रहे हैं एक चीज और है यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पिंजरा खुद ब खुद खुल गया है बिल्कुल सही बात है यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी तो है कि इस पिंजरे की जो चाबी है ना वो इस थर्ड पार्टी के पास है अब जब ये पंछी उड़ेगा तो उस पर कंट्रोल ये थर्ड पार्टी करेगी थर्ड पार्टी भी एक पंछी है जो हर एक जगह पर आपके पार्टनर को मॉनिटर कर रही है है ठीक तो ये आपके को मॉनिटर करने वाली और थक हार के इस दिवाली पर इस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन डेफिनेटली होगा तो आपके पार्टनर के एक्शन का रिएक्शन भी है तभी तो कहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात करना शुरू कर देते हैं बस इसको अपनी अल्टीमेट जीत मत समझ लीजिएगा ये टाइम पर इस तरह के आपको एक्शंस लेने हैं कि आप ये इंश्योर कर पाए कि अब आपके पार्टनर दोबारा से डिप की एनर्जीज़ में नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है अभी marriage का सीजन आने वाला है आप देखिएगा आपके पार्टनर आपसे बात करते करते अपने मैरिज की एनर्जीज की तरफ को चलना शुरू कर देंगे जो कि आपके साथ ना होकर किसी और के साथ फिक्स हो सकती है ठीक है इसीलिए मैं पहले से आपको सावधान कर रहे हो आपको समझना है तो समझिए नहीं समझना है तो आपकी मर्जी है ठीक है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ हां एनर्जीज को सही तरीके से बताने का फर्ज मेरा है वो मैं कर रही हूँ अभी क्या है आप भी एक एक्सपेक्टेशन जोन में है और अब आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशन्स को पूरा करने वाले हैं आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ हमारे जो पार्टनर हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी का शिफ्ट होगा ना आप एक डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में चले जाएंगे आप ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर ने आपके जज्बातों का सिर्फ मजाक बना कर रखा हुआ है तो यहाँ पर अपने पार्टनर को समझने के लिए ना आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा आपको फ्यूचर को भी कंसीडर करके चलना होगा अब आप में से कुछ बहुत ही समझदार लोग हैं जो ये बात सोचेंगे कि मैम हमारे पार्टनर को पहले हमें कांटेक्ट करने दीजिए उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है ठीक है आप इन लोग ये बात नहीं समझते हैं कि अगर सपोज मैं कह रही हूँ कि दिवाली के बाद चीजें खराब होने वाली है जिसकी बहुत अच्छे से मुझे क्लैरिटी दिख रही है मतलब वो चीज़ क्लैरिटी मिल रही है उस सिचुएशन पर आपके पार्टनर चांस आपको दिवाली वाले दिन पर कांटेक्ट करते हैं ठीक है इलेवेंथ को करते हैं ट्वेल्थ को करते हैं आपको उस टाइम पर कांटेक्ट करते हैं क्योंकि इतना टाइम उन्हें स्ट्रेंथ गैदर करने में लग जाता है ठीक है आपको विश करते हैं दिवाली का यूल बी वेरी हैप्पी कि अब हमारे पार्टनर के साथ हमारा कांटेक्ट होगा हो सकता है एक दो दिन बाद भी हो उसके बाद क्या होगा दोबारा से नो कांटेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक्शन लेने के लिए भी टाइम नहीं होगा ठीक है तो इसलिए चीज़ों को सिचुएशन को अपने होल्ड में बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं अगर रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैम अगर वो कांटेक्ट करेंगे वो हमसे माफ़ी मांगेंगे वो अपनी एनर्जी में जब तक नहीं आएंगे वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे उनको ये कांटेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ रही है ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत इजीली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी दो हफ्ते की बात कही तो आप ये इमेजिन करें कि आज या कल में या फर्स्ट नवंबर को आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे मैं ये चीज नहीं कह रही हूँ ये किसी भी दिन हो सकता है और उसके बाद आपके पास एक्शन लेने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा फिर आप क्या करेंगे फिर आप ये कहेंगे कि मैम हमने वीडियो तो पहले देख ली थी लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए अब आप बताइए क्या कर सकते हैं ठीक है और आपके टाइम पर जो लोग बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं जिनको ये डाउट है कि हमारे पार्टनर की मैरिज फिक्स हो सकती है आपके पास जो टाइम पीरियड्स हैं वो बहुत कम है मतलब एक दो महीने बस क्योंकि यहाँ पर इन्हीं मंथ्स में आकर कुछ रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाते ठीक है क्योंकि यहां पर मैरिज का फिक्स होना बहुत मतलब नॉर्मल सिचुएशन बन जाती है क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी उस टाइम पर आपके पार्टनर को फोर्स कर रही होती है और आपने अपने पार्टनर को उस एनर्जी से बचाया तक नहीं होता है ठीक है और फिर क्या होता है आपका टैरो पर से विश्वास उठ जाता है आपका ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है आपका एस्ट्रोलॉजी पर से विश्वास उठ जाता है हर एक जो भी ये सोर्स है ना जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं वो आपको गाइडेंस ही दे सकते हैं आपके बिहाफ पर आकर कर्म नहीं कर सकते ठीक है ईश्वर भी आपको गाइडेंस ही दे सकते हैं उंगली पकड़ कर चला नहीं सकते तो अब क्या फैसला आपको अपने रिश्तों के लिए लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ओके तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर जो नजर आया है वो पॉजिटिव है बट सिचुएशन थ्रू आउट पॉजिटिव नहीं रहने वाली है ओके सो आइए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन पर आपके रिश्ते पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आइए जान लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए तो यहाँ पर पहला कार्ड है आर्केंजल माइकल इज विद यू नाव ओके द नेक्स्ट इज एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू नाव ओके योर वाइब्रेशन इज राइजिंग नेक्स्ट कार्ड ओवर and इज योर the एंड बॉटम ऑफ is डेक इज is in इज असिंग इन पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है आपको शिव तत्व जो है यूनिवर्स के जो शिव तत्व हैं, उनकी सपोर्ट मिल रही है जो आपके फेमिनाइन एनर्जीज हैं, मतलब जो शक्ति तत्व हैं उनसे भी आपको सपोर्ट मिल रही है वो तो मेरे को यहां पे भी नजर आ रहा है कि जो आपकी यूनिवर्सल एनर्जीज हैं इस टैंक पर आपको और आपके इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं तो जब सपोर्ट मिल रहा है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा आपको लेना चाहिए ना कि यहां पर यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी और आपके इस रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी क्योंकि एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू आपके हार्ट चक्रा में जो भी ब्लॉकेज है मतलब हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज का मतलब ये है रिश्ते में जो भी ब्लॉकेज है बिकॉज हार्ट टू हार्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वहाँ पर आपको हीलिंग इस टाइम पर मिल सकती है और डिवाइन के थ्रू आपको रास्ता दिखेगा आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना और वैसे भी आपकी वाइब्रेशन तब राइज हो जाएगी जब आप डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे आपके लिए अब स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना तो एक ट्रिगर जरूर मिलता है इसलिए ही शायद यह ट्रिगर आपको मिलने जा रहा है ठीक है फिर आपका प्यार पर से रिश्ते पर से ईश्वर पर से हर एक चीज पर से विश्वास उठ जाएगा आप प्रोटेक्टेड हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये थर्ड पार्टी जो है ये कोई भगवान नहीं है ठीक है ये बात तो मैं खुद कह रही हूं ये कोई भगवान नहीं है बट समझदार है कैसे समझदार है सही वक्त पर सही एक्शन क्या लेना है वो इस थर्ड पार्टी को पता है और आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे ठीक है अब इतना खूबसूरत आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं इतनी स्ट्रेंथ गैदर करने के बाद उसके बाद भी ये रिलेशनशिप स्प्लिटिंग एनर्जीज में चला जाएगा क्या फायदा है ठीक है तो एक स्टेप अगर उनकी एनर्जीज की तरफ आप भी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए ठीक है और डिवाइन के रास्ते पर विश्वास रखिए जो रास्ता आपको डिवाइन दिखा रहे हैं उस पर विश्वास रखिए ठीक है आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है अगर हो हैं अगर आप अपनी पावर को समझें आपके लिए इस रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत अच्छी हो सकती हैं अगर आप अपनी पावर को समझें तो इस रिलेशनशिप को गो विद द फ्लो में मत छोड़िए ओके, okay. सो so, आप में से जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं दिस इज अ वेरी हाई टाइम टू टेक एक्शन ठीक है ये दो हफ्ते अगर ये दो हफ्ते भी निकल जाते हैं उसके बाद सिचुएशंस रिवर्स नहीं हो पाएंगी कई लोग अभी के टाइम पर भी मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं ये कह रही हूँ कि हीलिंग पॉसिबल नहीं है ठीक है तो अगर आप भी अपने इस रिश्ते को सच में अच्छा बनाना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है नहीं तो वो आपकी लाइफ से इजेक्ट तो हो ही जाएंगे वो नहीं इजेक्ट हो रहे एक्चुअली आप उनकी लाइफ से एलिमिनेट हो रहे हैं ठीक है थेके? आप एलिमिनेशन की एनर्जीज की और है थर्ड पार्टी एलिमिनेशन की एनर्जीज की ओर नहीं है ठीक है तो आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना होगा अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग अप प्रोसेस या फिर कोई आप रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो सो so, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड डियो वान्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी डारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजनिक गाइडेंस रोज़ रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सो